हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। बेटा देखो, बेटा क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स वन हैज टू टॉस अ पेयर ऑफ कॉइन। बेटा मैं एन फाइंड आउट करना है कि कितनी बार एन आप कॉइन को टॉस करोगे, सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग एटलीस्ट वन हेड, बेटा मिनिमम वन हेड आने की आपकी प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन इज 90%। बेटा हमें गिवन नहीं है कि मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितने टाइम्स आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, क्वेश्चन को मतलब टर्म्स कितने टाइम आप उसे थ्रो करोगे कॉइन को। बेटा इसके लिए आप यूज करोगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर एन सी आर क्यू रेस टू पावर एन माइनस आर पी रेस टू पावर, वेयर पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन है। बेटा आपको पता है पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन होता है, पी सक्सेस क्यू फेलियर हम यूज करेंगे। बेटा बेटा इस क्वेश्चन में मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपको चेक करना है कितनी बार आपको टॉस करना है, मतलब एन बेटा हमें पता नहीं है। एटलीस्ट वन हेड बेटा आप जो यूज करोगे, मिनिमम वन हेड के लिए प्रोबेबिलिटी करोगे, बेटा आपके पास जो पी है वो है 1/2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। बेटा मिनिमम हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। बेटा अगर पी 1/2 है, क्यू हो जाएगा 1 - 1/2, बेटा वैल्यू ऑफ क्यू भी आपके पास 1/2। बेटा पी भी 1/2 एंड क्यू भी आपके पास 1/2, दोनों टर्म्स बेटा आपके पास 1/2। देखो बेटा p 1/2 q 1/2 n पता नहीं है, बेटा हम डिस्ट्रीब्यूशन लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r n c r p। बेटा p अगर 1/2 लिखोगे p रेस टू पावर r, बेटा p रेस टू पावर r है, q रेस टू पावर n माइनस r, q रेस टू पावर n माइनस r, क्लियर है टर्म बेटा? या बेटा आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टर्म प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एटलीस्ट वन हेड, बेटा एटलीस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी मतलब वन और मोर देन वन टर्म greater than, at least greater than 90%, वो 90% से greater होगी। बेटा at least one means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. बेटा at least one means 1 से लेके आप use करोगे जो भी number of terms हैं उस time तक सारी probabilities को बेटा आप add। बेटा हमें find out ये term कब करनी है इसके, but बेटा ये बहुत lengthy हो जाएगा। बेटा extra term आपके पास है, extra term है 0 एंड टोटल प्रोबेबिलिटी है बेटा 1, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है। बेटा आप इसे इस तरह लिख पाओगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 1, लेस देन 1 बेटा अपने आप ही लेस देन 1 मींस, अगर बेटा आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, लेस देन 1 मींस ओनली टर्म 0। बेटा आपको पूरी टर्म की प्रोबेबिलिटी मतलब इस टर्म की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। 1 माइनस एक्स लेस देन 1 मींस बेटा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स 0 मतलब एक्स लेस देन 1 यूज करोगे। बेटा आप इस टर्म में ओनली एंड ओनली probability of x less than 0 beta करोगे, x equal to 0 beta करोगे use, greater than 90 beta beta distribution में आप value of r put करो 0 n c 0 1/2 raise to power 0 1/2 raise to power n greater than equal to 9/10 बेटा बेस सेम पावर साइड एन सी जीरो बेटा आपके पास हो जाएगा वैल्यू ऑफ एन सी जीरो बेटा एन सी जीरो इज वन आप एन सी जीरो को वन यूज करोगे बेटा एन सी जीरो वन है बेटा वन माइनस वन बेटा 1/2 पावर 0 भी 1 है माइनस 1/2 रेस टू पावर एन हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 9/10 बेटा आप इसे शिफ्ट करोगे दिस नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 रेस टू पावर एन बेटा ये नंबर बन जाएगा आपके पास 1/10 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 रेस टू पावर बेटा इसे मैं लिख सकता हूं 1/2 रेस टू पावर n इज लेस देन 1/10 देखो बेटा अगर मैं वैल्यू ऑफ n बेटा 1 पुट करोगे 1/10 इज लेस देन 1/2 नहीं पॉसिबल नहीं है बेटा अगर मैं n 1 पुट करके चेक करता हूं बेटा अगर n 1 पुट करोगे ये टर्म आ जाएगी 1/2 एंड 1/10 बेटा 1/2 मींस 0.5 1/2 मींस 0.1 बेटा ये टर्म पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट टर्म बेटा अगर आप वैल्यू ऑफ n 2 पुट करोगे बेटा 2 पुट करोगे फिर भी बेटा आपके पास 1/4 एंड 1/10 है
बेटा इसका डिनोमिनेटर ग्रेटर रिक्वायर्ड है, 3 पुट करोगे बेटा फिर भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके पास 1/8 एंड 1/10 है। बेटा नेक्स्ट टर्म अगर बेटा अगर आप 4 पुट करोगे बेटा वैल्यू ऑफ एन, अगर आप 4 सब्स्टिट्यूट करोगे, देखो आपके पास टर्म आ जाएगी 1/2^4 लेस देन 1/10, बेटा 1/16 लेस देन 1/10 है बेटा, ये टर्म करेक्ट है कि 1/16 जो है वो 1/10 से लेस है, मतलब वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 4 के ऊपर ये टर्म इससे लेस है, मतलब वैल्यू ऑफ एन है जो बेटा आपके पास 4 है, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स बेटा एन 4 यूज करो। थैंक यू।